हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो डिश है ये दोस्तों लकड़ी के पट्टे पर खड़ा है, जिस कारण इसमें बार बार नॉब सीलन की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस डिश को दोस्तों हम इस दीवार पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिश को इस लकड़ी के पट्टे से अलग कर लेंगे। इसमें जो कीले लगे हुए उसको हम निकाल लेंगे और डिश को जो है स्टैंड को हम अलग कर लेंगे। तो स्टैंड को हम सबसे पहले खोल लेंगे। तो इसमें जो नट है उसको हम जल्दी से खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका हमें अलग कर लिए है। तो दोस्तों ये जो डिश है और ये स्टैंड को हमने अलग कर लिए। इसके बाद दोस्तों इसको हम इस दीवार पर इंस्टॉल करने वाले हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले स्टैंड का जो फुट माउंट है उसमें हम उसके लिए हम दो होल करेंगे। चलिए हम उसमें दो छेद कर लेते हैं। होल को कर लिया। इसके बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें फसनर को डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिट्टी होता है प्लास्टिक का उसको हम इसमें डालेंगे दोनों छेद में। उसके बाद दोस्तों स्टैंड को इसमें लगाएंगे। उसके बाद हम इस दोनों में नट को कसेंगे। तो नट को हमने लगा लिया। इसके बाद इस दोनों नट को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने फुटमान को पहले लगा लिए है, अब देख सकते हैं। उसके बाद हम चले स्टैंड को अच्छी तरह से इसमें लगाएंगे। तो स्टैंड को लगाने के लिए सबसे पहले हम स्टैंड को सीधा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों 90 डिग्री में पूरा होना चाहिए, तभी इसमें हमको प्रॉपर सिग्नल मिल सकेगा। तो अब देख सकते हो इसमें दोस्तों वाटर लेवल स्केल है, इसके सारे हम स्टैंड को सीधा रख सकते हैं। तो ये जो स्टैंड इसको हमने सीधा कर लिया है। इसके बाद दोस्तों फिर से हम दो छेद करेंगे। सबसे पहले मार्क कर लेंगे, उसमें हम दो छेद कर लेंगे। तो छेद हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसमें हम फिर से प्लास्टिक का ग्रिप डालेंगे। उसके बाद फिर से हम इसमें नट को इसमें लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से दोनों नट को टाइट कर लेंगे। चलिए टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टैंड रेडी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। और दोस्तों इसके बाद हम डिश को इस स्टैंड में लगाएंगे। दोस्तों हमने डिश को स्टैंड में लगा लिया। इसके बाद दोस्तों इसका इस LNB को हम अपने सैटेलाइट मीटर में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम अपना सर्विस कवर लेंगे, उसको LNB में लगाएंगे। उसके बाद हम सैटेलाइट मीटर में लगाएंगे, ऑन करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हम सिग्नल मिलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसमें सिग्नल मिलाएंगे। और दोस्तों हम जो इसमें सिग्नल मिलाएंगे और दोस्तों DD3 डिश का सिग्नल मिलाएंगे। इसके लिए हम डिश को धीरे धीरे घुमाएंगे लेफ्ट राइट, ताकि हमको सिग्नल अच्छी तरह से मिल सके। तो दोस्तों हमको इसमें सिग्नल पूरा मिल चुका है। और दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेंगे। अब देख सकते हो ये 10 नंबर का पाना है, इसमें हम दोस्तों अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, ताकि ये बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम जल्दी से फटाफट टाइट कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस डिस्क को हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिए है। अब दोस्तों इसमें हम आपको दिखाने वाले कि कितना सिग्नल हमने इसमें मिलाया है। तो आप देख सकते हो इसमें जो हमने सिग्नल मिलाया है वो करीब 61-62% सिग्नल मिल चुका है। तो आप देख सकते हो इसी तरह दोस्तों इस डिस्क का रिलोकेशन या इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।